दिल्ली में 16 वर्ष की एक मासूम नाबालिग लड़की साक्षी की बेरहमी से चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिस किसी ने भी इस वीडियो को देखा उसका कलेजा कांप उठा। हर कोई साक्षी की हत्या का वीडियो देखकर हैरान है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि साक्षी की हत्या किसने की और इतनी बेरहमी से हत्या करने की वजह क्या रही? क्या यह मामला एक तरफा प्यार का था या लव जिहाद का? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं खबरदार शो। वारदात उत्तरी दिल्ली की शाहबाद डेरी इलाके में हुई है। साक्षी का परिवार इसी इलाके के जेजे कॉलोनी में रहता है। साक्षी ने इस साल 10वीं की परीक्षा पास की थी। पिछले कुछ महीनों से वह कॉलोनी में ही अपनी सहेली के साथ रह रही थी। रविवार रात वह अपनी सहेली के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में जा रही थी। उसी दौरान गली में हत्यारे साहिल ने उसे रोक लिया और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अब यहां सवाल साहिल के नाम से जुड़ता है। साहिल एक ऐसा नाम जो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में प्रयोग किया जाता है। न्यूज नेशन की एक खबर के मुताबिक साक्षी की सहेली ने बताया कि साहिल हिंदू बनने का ढोंग करता था। कुछ अन्य खबरों के मुताबिक हत्यारा साहिल हाथ में कलावा और रुद्राक्ष की माला भी पहनता था। अब सवाल यह उठता है कि साहिल को यह सब करने की जरूरत क्या थी? अब उस ओर ध्यान न देते हुए हम ये बात करते हैं कि आखिर साहिल ने ऐसा कैसे और क्यों किया। दरिंदगी से भरी इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ। घनी आबादी वाले मोहल्ले की व्यस्त गली में किशोरी साक्षी पर साहिल ताबड़तोड़ हमला करता रहा। लोग आसपास से निकलते रहे लेकिन किसी ने उस मासूम लड़की को बचाने की कोशिश तक नहीं की। साहिल साक्षी पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला करता रहा। साक्षी चिल्लाती रही और वह लगातार उसे चाकू से गोदता रहा। एक के बाद एक उसने साक्षी के कोमल शरीर को 16 बार चाकू से गोदा। और इतना ही नहीं, फिर उसने पास में पड़ा पत्थर उठाकर साक्षी के सिर पर दे मारा। साक्षी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और साहिल उसे मौत की नींद सुलाकर चला गया। लेकिन इतने पर भी उस बेरहम का दिल नहीं भरा और एक बार फिर वापस आकर पत्थरों से बार बार उसके सिर को कुचलना शुरू कर दिया। लेकिन अब तक आसपास से गुजर रहे लोगों में से किसी के अंदर भी इतना साहस नहीं था कि वो साहिल को रोक सके और एक मासूम लड़की की जान बच सके। साहिल के जाने के बाद गंभीर रूप से घायल साक्षी को लोगों ने पास के अस्पताल में पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस हत्या के पीछे की वजह क्या थी? क्यों साहिल ने साक्षी पर पत्थर और चाकू से लगभग 40 बार प्रहार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया? साहिल कौन है? क्यों इसने साक्षी की हत्या की? ये तमाम सवाल हमारे और आपके जहन में हैं। साहिल दिल्ली के प्रहलादपुर के जैन कॉलोनी में अपने पिता सरफराज, मां और 3 बहनों के साथ किराए पर रहता था। उसके मकान मालिक ने बताया कि उसका पिता मजदूरी करता है जबकि साहिल फ्रिज और एसी मरम्मत का काम करता था। रामफुल जी, साहिल आप ही के यहाँ रहता था क्या? हाँ जी, हाँ जी, इसी कमरे में रहता था जी। पीछे जो आपका कमरा दिखा है, हाँ जी, यही साहिल के रहता है। हाँ, ये ताला बंद है, इसी में है जी। अच्छा, हाँ जी। तो कितने टाइम से रह रहा साहिल? 2 साल हो गया जी इसे रहते। 2 साल से? हाँ जी। इसकी फैमिली में कौन कौन है? कौन कौन? इनके 3 बहने हैं और एक साहिल था, 4, मम्मी पापा 2, मम्मी पापा 6 हो गए जी। मम्मी पापा का क्या क्या नाम है? अब मम्मी का तो नाम नहीं बता पाएगा, पापा का नाम मेरे को याद है जी। क्या है पापा? सरफराज। पिताजी का नाम सरफराज है? हाँ जी, साहिल के बाप का नाम सरफराज है। सरफराज, हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि साहिल किस तरह का लड़का था, क्या काम करता था, आपको क्या पता है? अब काम तो साहब ये एसी फ्रिज का काम बताते थे कि एसी फ्रिज का करते हैं और देखने में भी साहब कुछ नहीं लगता था ना। यहाँ कभी आर पड़ोस में भी किसी से झगड़ा हुआ ना हमसे, 2 साल हो गया झगड़ा हुआ, इनका कोई बात कहने भी नहीं हुआ। आता था, चला जाता था ड्यूटी से, अपना सो जाता था, हमसे कोई मतलब भी नहीं रहता था जी। देखने में तो ऐसा नहीं लगता था, बाकी हरकत तो आप देखिए उनकी कि किस तरह हरकत किए है। अगला, बिल्कुल, इतने चाकू मारे हैं उसने एक लड़की को, हाँ, तो आपको विश्वास हो रहा है? हाँ, इस पर देखा था जी, इस पर देखा था मोबाइल पे, सवेरे हमें पता लगा था, रात को भी नहीं पता था कि क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। सवेरे जब इनमें मोबाइलों पे आना शुरू हो गया तब हमें पता लगा कि हाँ, इन्होंने क्या किया। हालांकि साहिल के पिता से जब बात की गई तो उन्होंने कहा हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है और वह घर भी नहीं आता है,
इसलिए साहिल हत्यारा है तो उसे अपने किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक साहिल और साक्षी रिलेशनशिप में थे। कई दिनों से साक्षी और साहिल के बीच झगड़ा चल रहा था और साक्षी साहिल से बात नहीं कर रही थी। इसी बात को लेकर साहिल के अंदर गुस्सा भरा हुआ था और जब साक्षी अपने दोस्त के बेटे की जन्मदिन पार्टी से लौट रही थी, इसी बीच सड़क पर साहिल उसको मिल गया और उसने अपना गुस्सा साक्षी पर 40 बार चाकू और पत्थर से प्रहार करके उतार दिया। शाहबाद डेयरी में साक्षी की हत्या करने के वाले साहिल को बुलंदशहर के अटेरना गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। साहिल खान को दिल्ली लाया गया और उसे साक्षी की हत्या का कोई दुख नहीं है, उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। साहिल को गिरफ्तार करने पहुंचे पुलिसकर्मियों ने यह बात उच्च अधिकारियों को बताई। साहिल साक्षी से इस कदर गुस्से में था कि उसने एक हैवान की तरह उस पर वार किए। वह पिछले कई दिनों से चाकू लेकर साक्षी को ढूंढ रहा था। पुलिस के अनुसार साक्षी की हत्या के बाद साहिल प्रहलादपुर की जैन कॉलोनी स्थित घर गया। घर पर उसने मोबाइल छोड़ा और कश्मीरी गेट बस अड्डा से बस पकड़कर अपनी बुआ शमीम के घर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर आ गया। बुआ के घर पहुंचकर उसने मां को फोन किया। उसे शाहबाद डेयरी इलाके में लोग सनी के नाम से भी जानते हैं। पुलिस उससे सभी पहलुओं को लेकर पूछताछ कर रही है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस साक्षी की हत्या से जुड़े कई और खुलासे करेगी। अब इस पूरी घटना में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आज भी शायद किसी के पास नहीं है। नंबर एक, इस पूरी घटना में 16 वर्ष की उस मासूम नाबालिग लड़की साक्षी का क्या दोष था? नंबर दो, ये प्यार था, प्यार में धोखा था या कुछ और था? सवाल नंबर तीन, साहिल हिंदू होने का शो ऑफ क्यों करता था? सवाल नंबर चार, साहिल आखिर एक 20 साल का लड़का, उसके अंदर इतनी हैवानियत और दरिंदगी कहां से आई? और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, क्या आज भी लड़कियों को रात के समय में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए? और अगर ऐसा है तो भारत सरकार क्यों अपने हर भाषण में महिला सुरक्षा की बात करती है? इन सब सवालों पर आपकी क्या राय है और आप इस निर्दयी हत्यारे साहिल और इस जैसे दरिंदों को क्या सजा मिलनी चाहिए, इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।